Dickens? Yes. Are you? शुअर भान डहरिया, ये डहरिया का क्या मतलब था? सर वैसे मैंने कभी जानकारी नहीं लिया, लेकिन सर उसका कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं है, लेकिन जो डहरी होती है उससे जरूर अर्थ निकाला जा सकता है कि घर में जो प्रवेश द्वार होता है उस पर जो बनाई जाती है सीढ़ी, या सीढ़ी ना कहकर एक जो प्रवेश द्वार के पास जो बनाई जाती है उसको डहरी कहा जाता है। आप ना छिंदवाड़ा से? जी सर। छिंदवाड़ा के बारे में कुछ जानकारी बताइए। सर छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसके अलावा यहाँ पर जो है तीन जनजातियाँ पाई जाती हैं, भारिया, कोरकू और गौंड जनजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर जो है वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा जिला है, कृषि प्रधान जिला है सर। और इसके अलावा सर यहाँ पर जो अभी एक नई परियोजना बनाई गई है, जल परियोजना, पेच डाइवर्सन परियोजना उसका नाम है। छिंदवाड़ा की सीढ़ी में सर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है इंदिरा प्रदर्शनी नेशनल पार्क, दोनों में दोनों के बीच में स्थित है, दोनों जिलों में स्थित है। इसके अलावा सर यहाँ पर कृषि में मुख्यतः जो मक्का और सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, और रबी में जो है गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। अच्छा, आपके क्षेत्र के विधायक का क्या नाम है? हाँ सर, माननीय चौधरी चंद्रमा सिंह। मिनिस्टर भी रहे हैं सर? विधायक, हाँ सर वो मिनिस्टर रहे हैं सर। जी सर, सर बहुत ज़्यादा जानकारी थी उनके बारे में जब वो मिनिस्टर के पद पर थे। जाति और जनजाति में क्या अंतर होता है? सर संविधान के आर्टिकल 336 में वर्णित, वो सॉरी सर 366 में वर्णित धारा 24 के तहत जो है अनुसूचित जाति का वर्णन है, और उसी में धारा 366 में जो 25 है भाग, उसमें 25 जो है सर उसमें जो है अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। इसके अंतर्गत जो जो जातियाँ आएंगी वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ये आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की? सर फुटवेयर टेक्नोलॉजी से, BSc किया सर। फुटवेयर टेक्नोलॉजी। ओके, फुटवेयर टेक्नोलॉजी। हाँ, मेवाड़ गंगानगर। हाँ सर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी थी, लेकिन सर मैंने MBA छिंदवाड़ा से किया। अच्छा, तो तुमने ये प्रोफेशनल डिग्री कर ली है, तो फिर उसके बाद BSc में क्यों आ रहे? सर वैसे मेरा रुझान तो पहले से था BSc में आने का, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उससे पहले भी सर जब स्कूलिंग टाइम से ही मैं देखता था तो मेरा रुझान कहीं ना कहीं लोकसभा में आने का था। वहाँ पर जाके सर मैंने जो सीखा हूँ 3 साल तक मैं उसको सोच इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था, तो मैंने वहाँ पर किया और काम से बहुत सेटिस्फाई था। मेरे जो मैनेजर सर थे वो भी सेटिस्फाई थे, लेकिन सर उस दौरान परेशानी हो रही थी कि मैं पढ़ाई को पूरा समय नहीं दे पा रहा था। बुक्स वगैरह मैंने अरेंज किया वहाँ पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई नहीं था अपने आउटपुट से, तो सर फिर मेरे को क्विट करना पड़ा जॉब, और फिर मैं पूरे समय के लिए फुल टाइम तैयारी करने लगा। ऐसे तो फिर आप यदि आपको BSc से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आप यहाँ से भी क्विट कर जाएंगे? सर ऐसा नहीं, ये तो मेरा अंतिम उद्देश्य था सर, वो तो एक पड़ाव था मेरा कि सर ग्रेजुएशन जो कि अनिवार्य है तो वो किया मैंने, उसके बाद मैंने जॉब भी किया सर, लेकिन वो मेरा अंतिम गोल नहीं था सर, लेकिन लोकसभा में आने का मेरा अंतिम मकसद है, इसलिए मैं सर यहाँ से अभी ऐसा कोई क्विट करने का कोई चांस नहीं होता सर। अच्छा, आपने BSc की तैयारी स्वयं से की या कहीं से? सर स्वयं से किया सर। अच्छा, स्वयं से की। छब्बीस दिनचर्या बताइए। सर पिछले 2 साल से जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, सुबह में 4:30 बजे जाग जाता हूँ, उसके बाद सर मैं विपश्यना मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद फ्रेश होता हूँ सर, और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई में लग जाता हूँ सर। वैसे मैं घर से बाहर रहा हूँ, रूम से रहता था सर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर मैं पढ़ाई करता था खुद की, और दिन भर लगभग मेरा पूरा एक डिवाइड हो जाता था शेड्यूल, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करता था, और रात में सर मैं 10 बजे या 10:30 बजे सो जाता था। डिप्टी कलेक्टर की कार्य होते हैं सर? डिप्टी कलेक्टर के जो कार्य होते हैं वो सर लॉ एंड ऑर्डर संभालना, राजस्व विभाग को देखना, इसके अलावा सर बिजली, शिक्षा, और सर जो DM जो होते हैं सर उनके जो जो भी कार्य दिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, जितनी सरकारी योजना है उनको इम्प्लीमेंट करना, उनकी निगरानी करना, ये सारे कार्य होते हैं सर।
अच्छा आपको इंटरव्यू में कितने नंबर दिए गए? सर ये तो डिपेंड करेगा मेरे निष्पादन से, लेकिन सर मैं अपने अभी तक का जो जिस तरह से इंटरव्यू चल रहा है शांत और सौहार्दवाद में, उससे मैं सर सहज हूँ और मुझे लगता है कि सर अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अच्छा आप खुद को कितने नंबर देंगे? सर मैं अगर पॉइंट करूँ सर 10 की स्केल पे, तो सर मुझे 10 की स्केल में 8 पॉइंट मिल सकते हैं। क्या एक महिला और पुरुष के आपस में अंग स्पर्श कर जाते हैं तो उसको यौन शोषण माना जाएगा? सर अभी जो ये सर मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुंबई हाई कोर्ट का मुद्दा था सर, कि उसमें जो था जो एक कॉर्पोरेट था कंपनी, वहाँ पर सर ये मुद्दा बना था कि किसी व्यक्ति ने जो सर वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे उन्हें आपस में ऐसा हुआ था कि किसी कारणवश उसने उनसे फाइल ले लिया था झटके से, तो हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसने बोला कि ये उद्देश्य वैसा नहीं था, इस कारण से इसको जो है यौन शोषण नहीं माना जाएगा। अच्छा आपने कभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय समय पर आयोजित मन की बात कार्यक्रम सुना है? सर सुना हो पर रेगुलर नहीं सुन पाया हूँ सर, तो बाकी कुछ समय मैंने सुना है। कुछ उससे प्रेरणा मिली है? हाँ सर उनके जो मुद्दे रहते हैं तो समसामयिक मुद्दे जो रहते हैं सर, जैसे कि मैंने जो सुना था स्वच्छता मिशन पर या नोटबंदी पर भी जो भी हुए, तो सर वहाँ से कहीं ना कहीं जो एक प्रशासन और जनता के बीच में जो कड़ी का काम होना चाहिए, संवाद जो होना चाहिए सर, तो वो स्थापित होता है, तो वहाँ से जो भी समस्याएं होती है फिर वो सुझाव भी बुलाते हैं, तो सर इन सारी चीज़ों से जो है मतलब सीधा संबंध हो जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है, जिससे सर समस्याओं को समझने में और चुनौतियों से निपटने में जनता और सरकार जो होती है दोनों को बड़ी आसानी होती है सर, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जो है अच्छे इम्पैक्ट पड़ता है सर समाज में। सर 2019 में फिर से लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? सर ये तो सर मेरी प्राइवेसी है, तो मैं ये तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता किसको दूंगा सर, लेकिन सर हाँ मैं तत्कालीन उस समय पे जो है सारे चीज़ों को देखूंगा, जो वादे किए जा रहे हैं या जो चीज़ अभी तक हुई है उसके आधार पर सर जो पार्टी मुझे उचित लगेगी मेरे विवेक पे सही होगी सर, मैं उसको वोट देना चाहूँगा। के बारे में कुछ बताइए। सर विपश्यना शब्द विपश और शना ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जो जैसा है वैसा ही देखना, मतलब सत्य की अनुभूति करना। सर इसमें जो होता है कि सबसे पहले जो है आपको मन को एकाग्रचित करने के लिए, मन को शांत करने के लिए पहले सांस को देखना सिखाया जाता है, जो सहज स्वाभाविक सांस है, किसी आलम्बन का सहारा नहीं लेना है, किसी प्रतीक का सहारा नहीं लेना है। जब मन आपका शांत हो जाए शुरू के 10 मिनट में, उसके बाद सर इसमें जो है आपके शरीर पे जो है पूरे शरीर में जो बॉडी की संवेदनाओं को देखना सिखाया जाता है, और उनको देखते देखते सर जो है आपके अंदर जो राग देश के संस्कार हैं जो पहले से हैं या फिर अभी बनते जा रहे हैं उनको समाप्त किया जाता है। इस तरीके से सर ये एकाग्रचित करने के लिए और मन को निर्मल शुद्ध करने के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत फायदेमंद है सर। पाताल कोट समुद्र तल से कितनी गहराई है? सर 1500 फीट के नीचे। 1500 या 1700? सर मुझे जानकारी तो 1500। यहाँ की कुछ खास बात? सर यहाँ पर भारिया जनजाति पाई जाती है। भारिया जनजाति की कोई ऐसी विशेषता बताओ जो अन्य जनजातियों से अलग है। सर भारिया जनजाति को 1981 में जो जंगलियों में जंगली की संख्या दी गई है, इसके अलावा सर इनकी विशेषता ये है कि इनका जो खान पान है सर खासतौर पर, तो वो जो है सर वहाँ किसी भी जनजाति में नहीं पाया जाता है। ये सर जो आम रहती है उनकी जो गुठली रहती है उसका पेस्ट मतलब आटा बना के जो है उसका सेवन करते हैं, और इसके अलावा सर इस जनजाति का रहन सहन खान पान सब कुछ बिल्कुल अलग है, और ये लोग जो है अभी भी जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, तो इस तरह की ये चीज़ें हैं जो बाकी कुछ जनजातियाँ जो है उनसे जो अलग है। एक प्रशासक के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप भारतीय जनजाति के विकास के लिए किन किन कार्यों को प्राथमिकता से करना चाहेंगे? सर जितना मैं जानता हूँ सर, तो वहाँ पर सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं पहले तो उनके प्रति उनको जागरूक की जाए, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं
तो पहला मेरा उद्देश्य रहेगा उनको जागरूक करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योजनाओं का लाभ लें। इसके अलावा सर वहाँ पर जो है जैसे पर्यटन भी एक बहुत अच्छा हो सकता है विकास, क्योंकि अभी सरकार प्रयास भी कर रही है तो पर्यटन का विकास है सर, क्योंकि वहाँ पर पर्यटन का विकास होगा तो वो लोग जो है उनको भी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सर वहाँ पर जो कृषि उपज जो है उनका आर्थिक जो मुख्य जरिया है आर्थिक क्रिया, तो सर वन संपदा आधारित उद्योग जो है वो भी लगाए जा सकते हैं और लगाए जाना चाहिए। इसके अलावा सर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है और उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सर उनको जो कनेक्टिविटी जो है उस पर भी कार्य करना चाहूँगा। ये कुछ बिंदु है सर जिस पर मैं कार्य कर। आपके बारहवीं में क्या क्या विषय थे? सर मेरा मैथ साइंस था, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी। इंटीजर नंबर क्या होता है? सर जीरो प्लस वन और माइनस वन, सॉरी शून्य धनात्मक और ऋणात्मक संख्या तीनों को, तीनों संख्या जब शामिल कर ली जाती तो वहाँ पर सर पूर्णांक संख्या। आपका सबल पक्ष क्या है? सर मैं जो हूँ सबल पक्ष में सर मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, इसके अलावा मैं ईमानदार हूँ सर, और सर मैं जो अपव्यय हूँ सॉरी सर मितव्यय हूँ कि मैं कम से कम खर्च करता हूँ, ये सब चीज़ें जो है सर मेरे सबल पक्ष में। ईमानदारी आपकी जो है आपने बताया, इसकी कोई आप एक उदाहरण? जी सर बिल्कुल। सर जैसे कि मैं मेरा जो शेड्यूल है मैंने आपको बताया, तो सर मैं मेरे शेड्यूल को जो है पहले डे में, फिर वीक में और फिर मंथ में इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ सर। पिछले दो वर्ष से मैं खुद प्रिपरेशन किया हूँ तो वहाँ पर सर, और इसको मैं ईमानदारी से करता हूँ, जब भी कभी अगर मेरे को लगता है मेरा टारगेट पिछड़ रहा है तो सर मैं उसके लिए ज़्यादा मेहनत करता हूँ और पूरे डिवोशन से उसको करता हूँ सर। तो इस आधार पर मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे बोलते हैं कि तो पढ़ाई के प्रति काफ़ी ईमानदार है सर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ईमानदारी में ईमानदार। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, जो अभी नॉर्थ कोरिया है ना जी, उसका जो शासक है वो कह रहा है कि यदि अमेरिका कुछ भी कर रहा है तो हम मिसाइल छोड़ेंगे परमाणु। तो अमेरिका ने भी कहा है कि हम परमाणु मिसाइल छोड़ेंगे, तो ये सब दो देशों का बीच का मामला है या फिर पूरे विश्व का मामला है? सर अगर जहाँ तक परमाणु युद्ध का सवाल है सर, तो ये पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि सर जैसे कि इससे पहले भी हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा जाए, तो इस आधार पर सर कि अगर वो दोनों देश युद्ध करेंगे तो दोनों की तरफ से जो है जैसे कि चीन जो है सपोर्ट करता है सर उसको नॉर्थ कोरिया को, तो सर एक दो लॉबी बन जाएगी, दो अलग अलग वो गुट बन जाएंगी और वहाँ पर सर पूरा विश्व जो है युद्ध की विभीषिका में जा सकता है। तो इस आधार पर सर इस तरह की बातें जो है पूरे विश्व के लिए खतरे उत्पन्न कर सकती है सर। कालिदास समारोह बारे में आप कुछ जानते हैं? सर कालिदास समारोह जो है उज्जैन में आयोजित किया जाता है और सर इसकी जो राशि है 3 लाख है और सर एग्जैक्टली नाम याद नहीं, लेकिन बजाज जो है सर श्री बजाज जो है सर उनको सर इस बार कालिदास समारोह दिया गया है। अच्छा देखिए आप एक चित्र देख रहे हैं, आप ये चित्र देखिए और इसका एनालिसिस करके हमें बताया जा रहा है, देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए। सर वो उसमें दिखाया जा रहा है कि जो ग्लोब है सर, और ग्लोब पे जो है वो एक व्यक्ति बैठा हुआ है अपने हाथ में लैपटॉप लेके, तो वो ये दिखाया जा रहा है सर कि जो आज के समय में जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है उसी में सारा नॉलेज पूरा ज्ञान है, और अगर वो है आप तो आप पूरी पृथ्वी पर जो आपका नियंत्रण है सर, तो इस ये बात होती है। बहुत बढ़िया, अपनी कोई तीन हमें बुराइयाँ बताइए। सर मेरी जो कमी है सर, एक्चुअल में सर मैं जैसे कि मैंने बताया कि कुछ टारगेट डिसाइड कर लेता हूँ तो सर जब तक वो काम कंप्लीट ना हो सर तो मैं लगातार उस पर लगा रहता हूँ, इस कारण से सर पिछले बार एक मैं उसका एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सर मेरे रिलेटिव्स में मैरिज थी और मैं दो मैरिज एग्जाम थी तो मुझे जाना था वहाँ पर, लेकिन सर मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था और इस कारण से मैं तैयारी में लगा हुआ था, तो उस दिन सर मैं जो लेट हो गया सर जाने पर, तो कहीं ना कहीं सर मैं जो है अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको या दोस्तों को टाइम नहीं दे पाता हूँ, वो बार बार इस बात के लिए मुझे बोलते हैं सर, तो ये मुझे मेरी वीकनेस लगती है कि मैं समय नहीं दे पाता, खुद के काम में डिवोटेड हो जाता हूँ,
इसके अलावा सर मुझे स्विमिंग का शौक है, लेकिन सर मैं स्विमिंग अभी तक बहुत अच्छे से नहीं कर पाता समय के अभाव के कारण। और सर हॉर्स राइडिंग भी करना चाहता हूँ, लेकिन सर ये हॉर्स राइडिंग सर तुम्हारे परिवार में कोई है प्रशासनिक अधिकारी? हाँ सर कोई। अच्छा, क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए थोड़ा। सर पापा जो है सर वो रिटायर्ड टीचर है सर, और मुख्य स्रोत जो है आय का जो पेंशन मिलती है, और उसके अलावा जो कृषि से आय होती है वो स्रोत है सर। बड़े भैया भी पापा के साथ हेल्प करते हैं। छिंदवाड़ा जिले की कृषि की मुख्य फसल क्या है? सर अभी जो है वहाँ पर मक्का और सोयाबीन ज़्यादा मुख्य मालूम होता है सर, और मक्के में तो सर छिंदवाड़ा जो है पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है सर। अच्छा, कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी वहाँ से सांसद है? जी सर, माननीय का। अच्छा, आपने भी वोट दिया होगा? जी सर। तो क्या बात है कितने दिनों से सांसद बनने के? सर एक्चुअल में उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, मतलब छिंदवाड़ा एक मुख्यधारा से कटा हुआ जिला था, क्योंकि अभी भी वैसे वहाँ पर ट्रेन रूट जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन सर रेलवे सड़क का उन्होंने खूब अच्छा डेवलपमेंट किया है। इंडस्ट्री के फील्ड में उन्होंने अच्छा काम किया सर। इसके अलावा सर स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, और जनता के बीच में उनका जो जुड़ाव है सर, एक मतलब आपसी जुड़ाव है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है कारण से वो अभी तक वहाँ पर बने हुए हैं। हाँ मेरा मानना है विकास कार्य हो रहा है, छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं अगर जाना जा रहा है तो उनका काफ़ी अहम रोल है सर। आप उनके द्वारा किए गए विकास कार्य से संतुष्ट? सर संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन ठीक है सर, अभी देखा जाए तो काफ़ी विकास कार्य हैं सर छिंदवाड़ा में। तो क्या वापस से आप कमलनाथ को वोट देंगे या बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी? सर ये तो मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, मेरी प्राइवेसी भी है सर कि मैं किसको वोट दूंगा, लेकिन सर तत्कालीन मुद्दे को देख के सर मैं वहाँ पर डिसाइड करूँगा कि मैं किसको वोट दूँ सर। और भारिया जनजाति के विकास के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? सर जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है कि उन लोगों तक जागरूकता नहीं है, तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि उनको सारी योजनाओं के लिए जागरूकता में अवगत कराऊँ, उनको बताऊँ उनके लिए जो योजना संचालित हो रही है। इसके अलावा सर वहाँ पर जो है वन संपदा आधारित उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं जिनसे उनका आजीविका का साधन जुटाया जा सके। पर्यटन का विकास किया जा सकता है सर, प्रतापगढ़ में काफ़ी संभावना है। और शिक्षा और स्वास्थ्य और ये सर बेरोजगारी और एक समस्या जो मुख्यतः मुझे दिखी सर वहाँ पर, कि वहाँ के लोग जो है सर मतलब प्रवर्जन की समस्या है सर, कि वहाँ पर जो मौसमी बस वो बरसात में घर पे रहेंगे, उसके बाद जैसे ही फसल आती है तो वो लोग तो फसल का उत्पादन नहीं करते, तो वो बाहर की ओर प्रवर्जन कर जाते हैं, जैसे नागपुर चले जाते हैं या फिर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में जाते हैं या फिर पंजाब तक भी जाते हैं सर, तो इसको भी रोकने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपने DSP का पद पहले स्थान पर क्यों नहीं भरा? सर चूँकि उसके लिए जो शारीरिक मापदंड मांगे जाते हैं सर, वो उस मेरे उस पैरामीटर में मैं खड़ा नहीं होता था या वो है नहीं सर, इस कारण से मैं पहला पद नहीं लगा। अच्छा, ये फुटवेयर इंडस्ट्री में आप काम करते हैं? जी सर। तो आपने जयपुर फुट का नाम सुना है? जयपुर फूड भी है सर। जयपुर फूड बोलते हैं सर, मैंने सॉरी सर, सर। अच्छा, मध्य प्रदेश में आदिम पिछड़ी जनजातियाँ कौन कौन सी? मध्य प्रदेश में जो है सर तीन जनजातियाँ जो है सहरिया बेगा और भारिया, तीन जनजातियाँ बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं सर, तो इनको जो है पिछड़ी जनजाति। अच्छा, आदि पिछड़ी जनजाति, जनजाति, आदिवासी और जाति, इनमें मूल अंतर क्या होता है? सर अनुसूचित जाति या जाति, जहाँ तक अनुसूचित जाति की बात है सर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल 366 में जो है भाग 24 में अनुसूचित जातियों का वर्णन है सर, और आर्टिकल 366 के भाग 25 में अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है। सरकार इसके अलावा जो जनजातियाँ बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं, तो उनको जैसे कि अभी तीन जनजातियों को जो पिछड़ों में शामिल किया गया है सर, तो वो जो मैंने आपको बताया, तो ये मूलभूत अंतर मुझे समझ आता है सर। इसके अलावा ये
अभी तक जो है विकास कार्यों से बहुत ज्यादा दूर है। आदिवासी एक और टर्म और बची आदिवासी। जी जी सर, आदिवासी जितना मैंने सुना सर उसके आधार पर जितनी भी जनजातियां हैं उनको सामूहिक रूप से आदिवासी कहा जाता है। ये तो आपकी गलत जानकारी है। अच्छा, मध्य प्रदेश शासन में आने के बाद आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सर सबसे पहले तो मैं जिस भी पद के लिए चयनित होऊंगा तो पहले वो अपने कर्तव्यों को, अपने जो भी शक्तियों को बहुत अच्छे से समझूंगा, अपने कार्यों को समझूंगा। उसका सर जिस क्षेत्र में मेरी नियुक्ति होगी उसकी प्राथमिकताओं को मैं अच्छे से समझूंगा, वहाँ पर संचालित योजनाओं को समझूंगा। उनके बाद सर उन योजनाओं के बारे में पहले जागरूकता लोगों तक पहुँचाऊँगा और सर वहाँ की जो समस्याएं हैं फिर उनको प्राथमिकता के आधार पर मैं निर्धारित करूँगा जो भी समस्या। आपके क्या, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? आप किसी जिले में SDM के रूप में काम कर रहे हैं तो उस जिले में आप क्या 5 प्राथमिकताओं के रूप में काम करोगे? सर जैसे कि जो मूलभूत समस्याएं सभी जगह देखी जा रही कि शिक्षा, बेरोजगारी और इसके अलावा सर जो कहीं पर थोड़ा सा लीकेजेस की प्रॉब्लम भी है, तो स्कूल की गुणवत्ता में समस्या है, तो सर ये सारी जो समस्या है इनको मैं प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करूंगा और उन पर जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। वर्तमान में क्या सरकार इनके लिए काम नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही सर, इसलिए सर मैंने बोला कि जो भी योजनाएं हैं उनको मैं बेहतर तरीके से और जो संभव बेहतर हो सके वो करूंगा। और सर जैसा भी वहाँ पर होगा वहाँ पे सारा चीज़ का एनालिसिस करने के बाद जो भी संभव होगा सर वो किया सर। भारत चीन डोकलाम चीन सीमा विवाद क्या होगा? सर डोकलाम एक क्षेत्र है जो कि ट्राई जंक्शन पर स्थित है, भूटान भारत और चीन तीनों के बीच में स्थित है सर। तो सर भारत और भूटान के साथ एक पहला समझौता हुआ है कि दोनों जो है अपने क्षेत्र को किसी दूसरे विदेशी शक्ति के लिए, दोनों युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं कर लेंगे। तो इस आधार पर भारत की जिम्मेदारी बनती है कि भारत जो है भूटान की जो है रक्षा करेगा। तो अभी जो चीन जो है वन बेल्ट वन रोड जो है एक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर भी उसका ये हिस्सा है सर, तो पाकिस्तान तक ले जा रहा है। तो पाकिस्तान तक सर चीन पाकिस्तान तक ले जा रहा है। मेरे हिसाब से तो वो तो विश्व के यूरोप तक जाने की बात करी उसमें। सॉरी सर मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो सर उसके तहत जो है वो जो है अपना जो उत्तर पूर्वी जो राज्य है सर। चलिए गुड, ये बताइए रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी जो लोग हैं वो अपने बगल की जो देश है कुछ अड़ोसी पड़ोसी कुछ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है 100-150, उनको छोड़कर 1200-1500 किलोमीटर दूर हम भारत में कश्मीर के क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं? सर जो रोहिंग्या शरणार्थी, हाँ शरणार्थी जो मुस्लिम लोग हैं सर उनका मूल निवास बांग्लादेश है। मूल निवास बांग्लादेश? हाँ सर, फिर बांग्लादेश से वो म्यांमार में जाके बस गए, इसलिए म्यांमार बोलते हैं कि वो यहाँ के म्यांमार के मूल निवासी नहीं है। ठीक है। और म्यांमार से सर अभी जो है इसी कारण उनको जो वहाँ के जो नागरिक अधिकार है सर वो म्यांमार में उनको प्राप्त नहीं है, उनको मतलब जो मानवाधिकार है उनका उनको प्राप्त नहीं है, तो कुल मिलाकर उनका शोषण हो रहा है, तो इस कारण से सर वो वहाँ से उनको। मेरा प्रश्न आप समझे नहीं, मैं ये बोला कि वो जैसे उसके पास की सीमा चीन में लगती है, उसके पास की सीमा कुछ थाईलैंड बैंकॉक तक भी पहुंच जाती है, और ये जो दूरी है उनसे वो तो 500-700-300-200 किलोमीटर दूरी है, और वो वहां से छोड़ते हुए 1500-1700 किलोमीटर हमारे कश्मीर में आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों? अच्छा, तो क्या अगर आपको उनके रूप में हम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करें इस समस्या को लेकर, तो क्या आप उन्हें आप भारत में रहने देंगे? सर जैसा सरकार ने भी कहा तो मेरा भी ये उद्देश्य होगा कि देश हित सर्वोपरि है, तो देश के हित में सर मैं बिल्कुल उनको वहाँ पर रहने के लिए अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि सर उन पर जो IB की रिपोर्ट आई है, खुफिया जानकारी आई सर, उसके आधार पर जो है उनका जो है ISIS से संबंध कहा जाता है जो आतंकवादी है, तो सर कहीं ना कहीं वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए उनको जो है वहाँ पर नहीं बसाया जाना चाहिए। और मानव अधिकार कहाँ गए फिर? सर मानवाधिकार है लेकिन देश हित सर्वोपरि है सर, ऐसा सरकार ने भी कहा, और ये सर क्योंकि देश सरकार जो कहती है वो सब सही है। सर सरकार जो बात कहती है जैसे उन्होंने अभी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर कहा सर, तो सर तथ्यों के आधार पर कहती है, तो सर फिर कहीं ना कहीं इस पर मतलब सही बात हो रही सर, तभी तो वो सभी। अच्छा चलिए एक लास्ट प्रश्न और बताइए कि नोटबंदी पिछले साल आज की तारीख के दिन हुई, तो इस को भारत में 5 डीमेरिट क्या थे और 5 मेरिट क्या रहे इसके?
सर पांच मेरिट्स में जो थे जो उनके उद्देश्य को लेके बनाई गई थी, यह जो उद्देश्य कह सकते हैं सर कि पहला तो सर इसका उद्देश्य था कि जो एक जाली करेंसी है उसको समाप्त करना, दूसरा उद्देश्य यह था सर काला धन को समाप्त करना, तीसरा काला धन तो मान लो समाप्त हो गया हमारे राष्ट्र का। सर अभी तक इसका जानकारी नहीं आई सर, पर जैसे ही अभी चल रही है जानकारी सर कहीं ना कहीं उस पर लगाम तो लगी है सर काला धन का। इसके अलावा सर डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी लाना जो इसका उद्देश्य था। नहीं नहीं ये इसका उद्देश्य तो कभी रहा ही नहीं, बाद में जोड़ दिया गया। हाँ सर जो भी था पर उसको सर बाद में उसको मतलब समय समय पर जो भी हो जाते उसको मॉनिटर किया गया, उस पर जो भी संशोधन करते गए सर, तो ये भी एक उद्देश्य उसमें शामिल हो गया कि कैशलेस इकोनॉमी बनाना है। इसके अलावा सर जो एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी सर तो उसको भी समाप्त करना इसका उद्देश्य था, और टेरर फंडिंग जो है आतंकवादी को जो धन उपलब्ध हो रहा था तो उसको भी खत्म करना इसका उद्देश्य। वेरी गुड। और इसके डीमेरिट? सर डीमेरिट जो है सर शुरुआती में देखा जाए तो सर इसका जो क्रियान्वयन था इसके लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, लेकिन अच्छी बात ये थी सर बाद में हमेशा उसको मॉनिटर करते हुए सर जो भी समस्या आ रही थी उसमें तुरंत एक्शन लिया जा रहा था, तो एक ये डीमेरिट्स इसकी है सर। ये तो आप मेरिट बता रहे हो तुरंत एक्शन लिया जा रहा है सर, मतलब शुरुआती में जो जैसा क्रियान्वयन हुआ था तो उसके आधार पर सर डीमेरिट्स थी। उसका सबसे बड़ा डीमेरिट तो ये था कि प्रधानमंत्री बार बार अपने विचार ही बदलते रहे। आरबीआई गवर्नर हर दिन एक दिन, आरबीआई ने पिछले एक महीने में कम से कम 20 बार नियमों को बदला। जी सर। हाँ सर वो जो नियम बदले गए एक दिन से अभी हम वो छोटे व्यापारी को छोटे व्यापारी बहुत सारे लोग मर गए। हाँ सर आप चिन्ह बता रहे हैं। जी सर। हाँ सर ये भी एक समस्या उसकी है डिवाइड्स है ना, उस समय से एग्रीकल्चर की हमारी दशा खराब हो गई, जीडीपी में भी मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट भी कम हो गया सर। ठीक है थैंक यू सर।